नमस्कार दोस्तों, तो हम पिछले लेक्चरों में बात कर चुके हैं प्रधानमंत्रियों की कड़ियों में जवाहरलाल नेहरू से लेकर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। अब इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी के बारे में, इनकी बायोग्राफी देखते हैं या इनके जीवन के बारे में देखते हैं। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने मात्र कुछ सालों में ही देश की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। उनकी सटीक रणनीति के सामने न सिर्फ विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, बल्कि वो दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए। यही वह वजह है कि आवाम को मोदी जी में एक नायक की झलक दिखती है। मोदी सिर्फ एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें विदेशों में भी सम्मान मिलता है। आपको बता दें, कई मेडल भी दिए गए हैं मोदी को विदेशों से। विश्व बिरादरी में मोदी जी अपने रिश्ते बराबरी के रखते हैं, दोस्ती भी बराबरी के रखते हैं, तभी तो आज दुनिया में मोदी की कूटनीति की कायल है। मोदी जी बेशक आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इनकी निगाहें हमेशा ही जमीन पर टिकी रहती हैं। मोदी जी हर कदम पर समाज के निचले पायदान पर रह रहे गरीब तबके की जिंदगी में खुशहाली लाना चाह रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारना है। मोदी जी हर कदम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल कर एक बेहतर भारत बनाना है। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजनेता नरेंद्र मोदी के बारे में, 15वें प्रधानमंत्री। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। दामोदर, इनके पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी, इनकी माता का नाम है हीराबेन मोदी। इनका विवाह हुआ था जसोदा बेन चिमनलाल मोदी, ये शिक्षिका है, भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। शादी के बाद आपसी रजामंदी से एक साथ नहीं रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। इनकी शिक्षा है पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए। इनके जीव शुरू के जीवन को देखते हैं। भारत के सबसे सशक्त और प्रभावशाली राजनेता में शुमार नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना जिले एक छोटे से कस्बे वडनगर के एक गरीब घर में पैदा हुए। पहले वडनगर बॉम्बे स्टेट में आता था। नरेंद्र मोदी जी की माता पिता का नाम हीराबेन और दामोदर दास मूलचंद मोदी है। उन्हें बचपन में नरिया कहकर संबोधित किया जाता था, याद रखिए नरिया। नरेंद्र मोदी जी के पिता चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजार बसार करते थे। वहीं अपने घर की दयनीय हालत को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पिता और भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना पेट भरा। वहीं बचपन में तमाम कठिनाइयां और कई संघर्ष झेलने के बाद भी मोदी जी कभी निराश नहीं हुए। एक महापुरुष की तरह अपने फौलादी इरादे के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाने लगे और देश के प्रधानमंत्री बन अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शादी के कुछ साल बाद इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किया और घर त्याग दिया। आर्थिक रूप से कमजोर मोद घांची परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता के तीसरे बेटे हैं। कम उम्र में उनका जसोदा बेन के साथ विवाह कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी उसी समय हाई स्कूल से स्नातक हुए थे, इसलिए उन्होंने इस विवाह को अस्वीकार किया। दरअसल कुछ सालों बाद मोदी जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमे। जसोदा बहन पहले सरकारी स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाती थी, जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी हैं। वही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी जी की शादी जरूर हुई थी, लेकिन शादी के बाद वे दोनों कभी एक साथ नहीं रहे। अब बात करते हैं आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो सका सैनिक स्कूल में पढ़ने का सपना मोदी का। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बचपन से बेहद होशियार और असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे शुरू से ही
स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी अंदर शुरू से ही देशभक्ति का गुण समाहित था, इसलिए वे आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होने की वजह से उनका आर्मी स्कूल में एडमिशन लेने का सपना महज एक सपना ही रह गया। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वडनगर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। उनके वाक कौशल की तारीफ शुरू से ही की जाती है। मोदी जी शुरू से ही अपनी वाक कला से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर हैं। आपको बता दें कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए का कोर्स पूरा किया और फिर सन 1980 में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अहमदाबाद में गुजरात के विश्वविद्यालय में से पॉलिटिकल साइंस से ही अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। अब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना समाहित थी, इसलिए भी अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक विचारक के रूप में हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अलग अलग प्रांतों में संघ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। साल 1975 से 1977 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, उस दौरान आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना वेश बदलकर यात्रा करनी पड़ती थी। नरेंद्र मोदी ने उस समय देश में इमरजेंसी लागू करने का काफी विरोध भी किया था। इसके बाद वे स्वयं सेवक संघ द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए भी भेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का सियासी सफर देखें तो 1987 में नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके साथ ही बीजेपी को अपनी कुशल रणनीति द्वारा सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। बाद में वे बीजेपी पार्टी से ही चुनाव लड़े, खुद देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मोदी ने अहमदाबाद में हुए निगम चुनाव में बीजेपी के अभियान को तेज करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें बीजेपी की जीत हुई। इस दौरान मोदी जी ने अपनी कुशल रणनीति का इस्तेमाल कर छोटे सरकारी उद्योगों आदि के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसके बाद साल 1988 में पार्टी ने मोदी जी को कौशल शक्ति का अंदाजा लगाते हुए उन्हें गुजरात ब्रांच के आयोजक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। साल 1990 में मोदी जी ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में अपनी राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और गठबंधन कर सरकार बनाई। यही से उन्होंने पार्टी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दौरान बीजेपी मोदी जी की अद्भुत कार्य क्षमता का एहसास हो गया। इसके बाद साल 1991-92 में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा निकाली गई, उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी की स्थिति को मजबूती प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद मोदी जी ने पार्टी में महत्व बढ़ा ही गया। सन 1995 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 121 सीटें हासिल हुई और सत्ता पर काबिज हुई। इस दौरान शंकरलाल वगैरह और मोदी जी के बीच आपसी मतभेदों की वजह से शंकरलाल वगैरह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गुजरात के केशुभाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पार्टी की गतिविधियों को संभालने के लिए राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने के लिए नई दिल्ली की तरफ रुख किया और यहाँ पर उन्होंने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता से हर किसी को प्रभावित किया। इसके बाद साल 1998 में मोदी जी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए मोदी ने
जिन्हें अपनी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे तरीके से निभाई। इस दौरान उन्हें कई अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया गया। अगले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इनका काल देखें जीवन, तो साल 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की कमान केशुभाई पटेल संभाल रहे थे, उस दौरान केशुभाई का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिसका असर प्रदेश में हुए चुनाव पर पड़ा। वहीं इस चुनाव में पार्टी कमजोर संचालक की वजह से बीजेपी को प्रदेश में कई विधानसभा सीटों से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद गुजरात में बीजेपी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में एक नए और सशक्त उम्मीदवार का चयन किया। फिर मोदी जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि उस दौरान मोदी जी को सियासत का उतना अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही थी। मोदी जी को पूर्ण रूप से सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी, लेकिन मोदी जी ने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए यह कहकर साफ मना कर दिया कि अगर वे गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे तो पूर्ण रूप से संभालेंगे, अथवा वे गुजरात की सत्ता इस तरह शासन नहीं करेंगे। वहीं 7 अक्टूबर साल 2001 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। इसके बाद उनके सितारे लगातार बुलंदियों को छूते चले गए और फिर कभी वे पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार राजकोट के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से परास्त किया। फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात में अभूतपूर्व विकास करवाए। वे जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते चले गए। हालांकि उपचुनाव जीतने की महज कुछ दिन बाद ही मोदी जी का नाम साल 2002 में हुए गोधरा कांड से जुड़ा गया। उन पर गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद विपक्षी दलों और कांग्रेस के दबाव के चलते मोदी जी गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, जिस कारण गुजरात के सीएम के रूप में उनका पहला कार्यकाल सिर्फ कुछ ही दिनों तक ही रहा। वहीं इसके बाद जांच कमेटी द्वारा इस मामले में मोदी पर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया गया और उन्हें इस मामले में कोर्ट द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। तब एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने उनके गृह राज्य गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने इस कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिन्हें गुजरात की तस्वीर भी बदल दी। गुजरात को एक ड्रीम स्टेट बनाने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए और जन जन तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से कई विकास के काम किए। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने गांव गांव में बिजली पहुंचाई और प्रदेश के टूरिज्म को एक नई दिशा दी, बल्कि पानी की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के लोगों की समस्याओं को दूर को पूरी तरह हल कर दिया। वहीं पहली बार भारत के किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया था। मोदी जी गुजरात में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क का भी निर्माण किया था। यही नहीं, गुजरात में अपने सीएम के दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में अरबों के रियल एस्टेट निवेश सौदे पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं साल 2007 में गुजरात के राजनीतिक इतिहास में लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले मुख्यमंत्री बने। गुजरात में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कामों के बल पर प्रदेश की जनता की नजरों में चढ़ गए और उनके सबसे चहेते मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। साल 2007 में हुए गुजरात चुनाव विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी फिर से जीत हासिल की, लगातार तीसरी बार गुजरात के सीएम का पद संभाला। मोदी जी ने सीएम के अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश की आर्थिक विकास और निजीकरण पर भी खासा जोर दिया। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ आया। यही नहीं, गुजरात में महाद्वीप के सबसे बड़े सोलर सिस्टम का निर्माण किया गया। इस तरह गुजरात हर मामले में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गए। इसके अलावा मोदी जी ने गुजरात में शांति और सद्भाव के माहौल को अधिक मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2011-12 में सद्भावना गुडविल मिशन की शुरुआत की। इसके बाद 2012 में गुजरात में हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी ने 182 सीटें हासिल कर
ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वे लगातार चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। इस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में भी एक आदर्श सीएम के रूप में प्रदेश में विकास के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। कठिन दौर से जूझ रहे गुजरात को दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ आइडियल राज्य बनाया, अपनी पहचान एक सक्षम शासक के रूप में विकसित की। मोदी जी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का सफर, तो साल 2014 में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। गुजरात में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का जादू लोगों में सिर चढ़कर बोल रहा था। वहीं उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी को पीएम उम्मीदवारी के लिए असहमति जताई थी, लेकिन मोदी जी ने उस दौरान बड़ोदरा और वाराणसी की दोनों सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वे पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं। इसके बाद मोदी जी देश की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर 15 सितंबर 2013 से पूरे देश में अपनी रैलियां शुरू की। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में करीब 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों के माध्यम से मोदी ने देश के लोगों को कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर जागरूक किया। जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ी परेशानियों को जानने की कोशिश की। इसके साथ ही मोदी जी ने इस दौरान समस्त देशवासियों के अंदर एक नई चेतना पैदा की। इस बीच मोदी जी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी बात जनता के सामने रखी। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी द्वारा शुरू किया गया चाय पर चर्चा प्रोग्राम भी काफी लोकप्रिय रहा। इस प्रोग्राम के माध्यम से मोदी जी जन जन तक अपनी पहुंच बनाने में और जनता की समस्याओं को करीब करीब से जानने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद मानो पूरे देश में मोदी लहर आ गई। लोगों को मोदी के विचारों और रणनीतियों से ने इतना अधिक प्रभावित किया कि लोगों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी 534 सीटों में से 282 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस तरह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बने। साल 2014 में आम चुनावों में अपनी कुशल रणनीति से पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में गोपनीयता की शपथ ली। अपने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने बखूबी निभाई। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ देश की आर्थिक को मजबूत बनाया, बल्कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर करने की सराहनीय प्रयास किए। मोदी जी ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों, युवा आदि सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं लॉन्च की। भारत में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक विदेश दौरे कर भारत के रिश्ते अन्य देशों से मजबूत करने के प्रयास किए। साथ ही विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, सड़कें, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में मोदी जी ने कई काम किए। इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अपनी सकारात्मक सोच और विकासशील कार्यों से उन्होंने लोगों के दिलों में एक चहेते प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि बना ली। इसका परिणाम उन्हें साल 2019 के चुनाव में भी मिला। साल 2000 चुनाव में की बात करें तो सक्षम और सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में हुए आम चुनाव में फिर से पीएम पद की उम्मीदवारी के साथ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उनका जादू सिर चढ़कर बोला। 542 सीटों में से 353 सीटों पर दर्ज कर उन्होंने 70 साल पुराने कांग्रेस पार्टी के चारों खाने चित कर दिए। अपनी रणनीति से 2019 के चुनाव में भी इतिहास रख दिया। तो याद रखिए, ये 353 एनडीए को मिली है, उनके गठबंधन सहायकों को 303 केवल बीजेपी को मिली है। इस तरह हिंदुस्तान को नए
इस तरह हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विधान सेवक मिल गया। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आवाम के भरोसे को जीत कर दूसरी बार पीएम पद हासिल किया। वे लगातार देश की जनता के विकास के लिए कारगर हैं। अब एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी को देखें तो मोदी जी ने अपने दमदार विदेश नीति के तहत ताबड़तोड़ विदेश दौरे कर विश्व पटल पर हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाई, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान विश्व बिरादरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मोदी जी कुशल रणनीति और कूटनीति का ही नतीजा है। जिन देशों को भारत पहली पहले फूटी आंख में भी नहीं सुहाता था, आज वही देश दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी ब्रिक्स, सार्क, संयुक्त राष्ट्र और G20 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश किया। इसके बाद मोदी जी की दूरगामी सोच और जबरदस्त विचारों की खूब सराहना भी की। वहीं मोदी जी की जापान यात्रा के बाद भारत जापान के रिश्तों को मजबूती मिली। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी मंगोलिया की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। इसके साथ ही पीएम मोदी चीन और दक्षिण कोरिया की यात्राएं भारत में निवेश लाने की दृष्टि से काफी सफल साबित हुई। अब नरेंद्र मोदी जी के सराहनीय कामों की बात करें तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश में नोटबंदी की इन्होंने, 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए, उनकी जगह पर 2000 और 500 के नोट नए लाए। जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लगाए जाने वाले सभी अलग अलग टैक्स को एक साथ शामिल कर जीएसटी टैक्स लागू किया। उरी हमले के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की उड़ाई नींद, नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में हुए उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऐतिहासिक फैसला लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। फिर बात करते हैं पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करने का ऐतिहासिक फैसला। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में कई भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश के सभी सुरक्षा बलों को किसी भी तरह के एक्शन लेने की छूट देने का ऐलान किया, जिसके बाद वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। अगला बात करते हैं गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण। भारत के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ पटेल भाई पटेल के स्मारक के रूप में स्टैच्यू ऑफ का निर्माण यूनिटी का निर्माण कराया। वह गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के पास बनाई गई, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक की तरह मूक स्मारक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक विकास को बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी ढांचे पर ध्यान देगी, कृषि विकास के लिए अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत इन्हीं ने की थी। योग को प्राथमिकता देने, इसके प्रति लोगों को जागरूकता करने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने की शुरुआत। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून साल 2015 को मनाया गया था। राष्ट्रीय योग स्मारक की बात करें तो नई दिल्ली में सशक्त बलों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय योग स्मारक का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। भारत में बुलेट ट्रेन लाने का की योजना, तो भारत में साल 2022 से 2023 तक बुलेट ट्रेन को शुरू किया जाएगा। इसको लेकर भारत सरकार रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुख्य योजनाओं में से एक है। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं मुख्य कार्य किए, जिसके देश के विकास को बल मिला। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री कौशल विकास, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, उड़ान योजना, स्किल इंडिया योजना, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्मार्ट सिटी योजना। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की, जिसका फायदा देश के हर तबके तक पहुंचा है। अब नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक के कार्यकाल में अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ अपना सरकारी निवास शेयर नहीं किया, वे अकेले ही इस निवास पर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने 13 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली थी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, साउंड क्लाउड, लिंक्डइन, वीवो आदि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के सर्वाधिक सक्रिय राजनेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत पसंद है, वे स्टाइल आइकॉन के रूप में भी जाने जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में, साल 2005 में मोदी जी भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एलिटेक्स पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साल 2007 में मोदी जी इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया गया। साल 2009 में मोदी जी को FDI मैगजीन द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2014 में फोर्ब्स की लिस्ट में मोदी जी का नाम विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में 15वें स्थान पर रहा। साल 2014 में ही टाइम पत्रिका द्वारा नरेंद्र मोदी को 100 सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। साल 2014, 15 और 17 में टाइम मैगजीन द्वारा मोदी जी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2015, 16, 18 में भी मोदी जी को दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया। सितंबर 2018 में मोदी जी को यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा गया। 24 अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2018 में मोदी जी को भारत और फिलिस्तीन के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीन राज्य के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया। फरवरी 2019 में मोदी जी को प्रतिष्ठित सेउल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना शुरू की करने के लिए मोदी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। इन पर नमो नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म नमो नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म नमो 24 मई साल 1919 में रिलीज हो किया गया। इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबराय नरेंद्र मोदी जी के किरदार में नजर आए हैं। इस फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करें तो यह प्रेम तीर्थ, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता, केल्विक ते क्लाउडी, साक्षी भाव, एवोर्ड ऑफ लव। नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई मशहूर किताबों की बात करें, मोदी मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नरेंद्र मोदी को विदेशों से मिले कुछ सम्मानों की बात करें तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के रूस का है, सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। जायद मेडल इस संयुक्त अरब अमीरात का है, नरेंद्र मोदी को मिला है। सेउल शांति पुरस्कार की बात कर ही चुके हैं, दक्षिण कोरिया का है, मोदी को मिला है। नमामि गंगे के लिए अंगला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तो ये भी UN का है, पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है। फिर बात करते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेच ऑफ फिलिस्तीन, ये देख चुके हैं हम लोग, ये भी फिलिस्तीन का है। फिलिप कोटलर प्रेजिडेंशियल पुरस्कार पीपुल्स प्रॉफिट प्लानेट के लिए मिला है। फिर है अपना किंग अब्दुल अजीज से पुरस्कार, ये सऊदी अरब का है, ये भी मिला है नरेंद्र मोदी को। आमिर अमानुल्ला खान अवार्ड जी अफगानिस्तान का है, ये भी मिला हुआ है। निशान इज्जुद्दीन मालदीव का है, ये भी सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। चलिए तो ये था लेक्चर हमारा नरेंद्र मोदी से संबंधित।